हाँ भैया अच्छा, आपको भारी मिला। हेलो अच्छा, सवेरे ये काम धेनु शॉपिंग सेंटर बैक साइड में बिल्डिंग नंबर 3 पूछ के आ जाइए। अच्छा, काम धेनु शॉपिंग सेंटर बिल्डिंग नंबर 3 बैक साइड। श्रीकाजी किया आला पुत्र नहीं मैं ठीक है। लोखंडवाला मार्केट में फूड इन होटल के सामने, फूड इन वाला जो गली है फूड इन होटल का, तो फूड इन के अपोजिट साइड में उसके अपोजिट। अरे सुनिए ना, ठीक है, फूड इन क्या सर, उसको समझा दीजिए। गोविंद वही ना, उसको चार बार बता दीजिए। साथ में तो मैं बोला कि टिंकू जी के साथ में आ जाना, हमको मिथिलेश जी सबसे पहले बात करूंगा कि आर एस तिवारी जी को होम प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म का आज मुहूर्त हो रहा है और पहली फिल्म बनके तैयार है, क्या कहेंगे आप? बूम उठा के रखूंगा जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली फिल्म बनाने के बाद दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत क्यों हुई, और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उन्होंने डायरेक्शन का भार मुझे सौंपा। ये अच्छी बार उम्मीद है सफल। बात करें पहली मूवी वाले क्या कहेंगे गोविंद कुर्बानी? पहली मूवी तो उनकी अच्छी है, एक लव स्टोरी है, स्टंट एक्शन है, सारी चीजें से इनकी पहली फिल्म है, जैसे कि मिस कलकत्ता मोहिनी घोष जी की, और दूसरी फिल्म में मिस अनारा, मिस जम्मू अनारा गुप्ता जी आ रही है, क्या कहेंगे? इस मामले में तिवारी जी बहुत ही लकी हैं, इनको अच्छे टेक्निशियन अच्छे कलाकार मिल जाते हैं, और अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर को अच्छा कलाकार अच्छा टेक्निशियन चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अनारा। सर बात करें गीत संगीत की, दमोदर राव जी का संगीत है, आई गाना रिकॉर्डिंग से मुहूर्त जो रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छा, आज के दौर में जो संगीत चाहिए वो क्वालिटी दामोदर जी ने है, इसके पहले भी इन्होंने दिल हो गई कुर्बान सारे गाने बड़े ही रसीले, एक बार सुनो तो लगता है एक बार और सुनता है, उसी तरीके से आज जो जिस फिल्म का मुहूर्त हो गया गाने की वहाँ में, इसके भी गाने रिकॉर्ड में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, खुशबू देने लगा है उसको, बहुत अच्छा मुझे। दामोदर जी क्या कहेंगे इतनी तारीफ? बस मैं सुन ही रहा हूँ, सुन के विश्वास नहीं हो रहा है, शायद मुझसे भी ऐसा संगीत बन जाता है, और मिथिलेश जी तो मेरे पिताजी जैसे हैं, मेरे गार्जियन जैसे हैं, वैसे ये नहीं मानते होंगे, सोचते होंगे बराबर के हैं, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग है कि हमारे गार्जियन जैसे हैं और हमारे संगीत को इतना अहमियत दे रहे हैं, संगीत के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज है, आज गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान एक सुर पे इनका ध्यान दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इनके अंदर भी काफ़ी संगीत है। बड़ा ही खुशी का दिन है आज, एक जो सरस्वती पूजा है हमारे हिंदू धर्म की, बड़ी ही विद्या की देवी सरस्वती माता है, उनका पूजा का दिन है, और दूसरा तिवारी जी के जन्मदिन है आज, दोनों के शुभ अवसर पे आज ये फिल्म मुहूर्त साजन की बाहों में हुआ, एक गाने के साथ खुशबू जैन ने ये गाना गाई, बहुत ही अच्छा गाना संजोग से बन गया है, और जो दिल हो गई कुर्बान फिल्म जो बनी है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं तिवारी जी, आर एस तिवारी जी, उनका नेचर इंसानियत भी उनके अंदर फूट फूट के भरा हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य होता है जब हमसे मिलते हैं, वो इस भाव से एक भाई के नाते ऐसा प्रेम उनके अंदर मैं देखता हूँ, लगता है कि उनको एक भाई मिल गया है, एक दोस्त मिल गया है, मुझसे इतना प्रेम रखते हैं मुझ पर, इसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, पहले तो जन्मदिन की बधाई दूंगा तिवारी जी को,
और दूसरी फिल्म के लिए शुभकामना, हार्दिक शुभकामना है। तन मन धन से कोशिश करके इस फिल्म को आगे बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। आज का गाना याद नहीं है लेकिन मुखड़ा एक लाइन में गा रहा हूँ। अरे पकड़ा कैले छिनरु बलमुआ, पकड़ा कैले छिनरु बलमुआ, रात के घेरा बंदी में अब कैसे धनवा कुटाई, अब कैसे धनवा कुटाई, जब मुसर गईले नसबंदी में अब कैसे धनवा कुटाई, मुसर गईले नसबंदी में अब कैसे धनवा कुटाई। हाँ, मैं तिवारी जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे इंसान, कलाकार बनने की चाहत, अच्छे बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए एक अच्छे निर्माता साबित होने जाने चाहिए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मिथिलेश अविनाश जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब इनके साथ पहली फिल्म किया दिल हो गेल कुर्बान, तो मेरे अंदर काफी घबराहट थी, लेकिन सेट पे जब हम काम कर रहे थे, मिथिलेश अविनाश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इनके साथ काम करके मुझे काफी खुशी हुई। जब मेरी पहली फिल्म दिल हो गई कुर्बान का पहला दिन था तो मैं बहुत डरा डरा सा था, लेकिन जब सर का काम देखा और पहली सीन देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया। उसी तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि मेरी फिल्म अगली जो भी आ रही है साजन की बाहों में, इसका निर्देशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। और पूरी टीम हमारे साथ है और अच्छा काम किया था दिल हो गई कुर्बान में, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काम होगा। और संगीत में दामोदर राव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इनके गाने जिन्होंने भी सुना बहुत प्रशंसा किया और काफ़ी खुशी नजर आई, और हमारे एक रिलेशन में मैं इन्हें मानने लगा और बड़े भाई जैसा मानता हूं। और मुझे काफ़ी खुशी है कि इस फिल्म के भी गाने ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करके बना रहे हैं। और बाकी मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस शुभ अवसर पे, जन्मदिन पे, और आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, और हमारी फिल्म साजन की बाहों में का मुहूर्त है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत।